दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय आस्था इंस्टीट्यूट इसपुर ऊना। प्रदेश न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ के आह्वान पर न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ ऊना के कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रधान संजीव कुमार व सचिव नवदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को नए वेतनमान 3 जनवरी 2022 से प्रदान कर दिए हैं, लेकिन न्यायिक कर्मचारियों को नए वेतनमान न देकर सौतेला व्यवहार किया गया है। इसी के चलते कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार ने उनकी मांग को पूरा ना किया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। हमारा मेन डिमांड जो है सरकार के साथ है, क्योंकि हमारे को पे स्केल, नया पे स्केल हर सारे कर्मचारी को दे दिएगा, सिर्फ जिला न्यायिक कर्मचारियों को ही से वंचित रखा सरकार ने। तो काफ़ी आश्वासनों के बाद भी सरकार ने कोई पुख्ता निर्णय हमें दिया, तो इसलिए कर्मचारी जो इस आंदोलन पे आना पड़ा। कब तक गया हमारा भी तो ब्लैक वेजेस बढ़ने का है, अगर 11 के बाद हमारा मास्क का जो लीव पे जाने का है। अगर सरकार हमारे इस शांतिपूर्वक निर्णय से मान जाती है तो हम सहमत हैं। अगर नहीं होता तो क्या करें? 11 के बाद हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे और आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा और सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती के कुशल नेतृत्व में ऊना विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। क्षेत्र में बहुमंजिला मिनी सचिवालय, अत्याधुनिक बस अड्डा, दिव्यांग कौशल विकास केंद्र सहित भव्य भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 22 करोड़ की लागत से ऊना शहर में 7 नालों का निर्माण कर शहर को बरसाती पानी से निजात दिलाई है। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के माध्यम से हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचाया गया है। पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 200 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई है, जबकि विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए व्यय कर सड़कों का जाल बिछाया गया है। स्कूल व आईटीआई भवनों, खेल मैदानों, पार्कों के निर्माण से सुविधाओं को जुटाया जा रहा है। ऊना में मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट, ट्रॉमा सेंटर व पीजीआई सैटेलाइट की सुविधा स्वीकृत की गई है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऊना विधानसभा क्षेत्र की दशा व दिशा को बदला गया है। ऊना की जनता की अब यही पुकार, सतपाल सिंह सत्ती अब की बार। आस्था इंस्टीट्यूट ईस्टपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आरएस राणा ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है। इंस्टीट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इलेक्ट्रिशियन, फिटर, एसी एंड रेफ्रिजरेशन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 10वीं-12वीं पास विद्यार्थी कोई भी दाखिला ले सकते हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आस्था इंस्टीट्यूट, गगरेट रोड, ईस्टपुर, ऊना, 9459778011। हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, डॉक्टर कुमार के सपनों की सरकार बनाएंगे, इस सदस्य के सपनों की सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक तूफान खड़ा कर देंगे। सूरज है तू, ये अंधेरा मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर के तुम दिखा दे तू, उम्मीद का सूरज है तू, ये तमस मिटा दे तू, जल उठे चिराग और भर
के दम दिखा दे तू, कस कमर को जोर से, अब तुझे निकलना है, जो सोचा है वो करना है।